ऐसा माना जाता है कि शादी के मामले में सबसे ज्यादा तकलीफ अक्सर कुंभ लगने वाले लोगों को होती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? शनि का लग्न है इसलिए, राहु का प्रभाव है इसलिए, या फिर उनका जो सातवां घर है वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक पोजिशन है? आखिर कुंभ लगने वालों के लिए शादी को इतना इम्पोर्टेंट और इतना क्रूशियल और साथ साथ ही इतना प्रॉब्लमेटिक क्यों माना जाता है? वो सब हम जानेंगे आज के वीडियो में, और उसके साथ साथ ही ये भी जानेंगे कि इनके लिए बेस्ट रिलेशनशिप कौन सा होता है और गलत या सबसे बुरा रिलेशनशिप इन लोगों के लिए कौन सा हो सकता है। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी की, और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की भी, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद कर सकता है। इस नई सीरीज में हम ये जान रहे हैं कि आपके लग्न से सातवां भाव आपके प्रेम के बारे में, आपके संबंधों के बारे में, और इन चीजों से आखिर आप चाहते क्या हैं, यानी आपकी परमानेंट नीड्स क्या हैं, वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। कैप्रिकॉन से सातवां भाव क्या होता है और उनकी नीड्स क्या है, वो जानने से पहले चलिए ये जान लेते हैं कि लग्न क्या चीज है। आपके जन्म के समय पर पूर्व से जो राशि उदय हो रही थी, यानी राइज हो रही थी, उसको आपका लग्न मान लिया जाता है और आपकी कुंडली के पहले घर में उसे बिठाया जाता है। यानी कि अगर आपके जन्म के समय पर पूर्व दिशा में अक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि का उदय हो रहा था, तो फिर आपका लग्न, जिसको उदय लग्न, असेंडेंट या राइजिंग साइन भी कहते हैं, उसे अक्वेरियस मान लिया जाएगा। और ये लग्न डिसाइड करेगा कि आप दिखते कैसे हैं और आप देखते कैसे हैं, यानी कि आपका अपियरेंस क्या होगा, आपकी फिजिकल रियलिटी क्या होगी, और उसके साथ साथ ही दुनिया को देखने का नजरिया आपका क्या होगा, यानी किस चश्मे से आप दुनिया को देखते हैं, वो ये लग्न डिसाइड करके दे देता है। इस लग्न का जो सातवां घर होता है वो होता है सिंह यानी कि लियो राशि का। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिंह राशि बहुत इगोटिस्ट होती है और उसके साथ साथ जो अक्वेरियस होती है वो बहुत डिटैच्ड होती है, और ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरीके से गलत है। सिंह राशि में ईगो डेफिनेटली होता है और साथ ही साथ जो अक्वेरियस राशि होती है उसमें डिटैचमेंट का भाव होता ही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सिर्फ सिंह लग्न या राशि होने से आपके संबंध खराब हो जाएंगे या फिर यू विल बिकम अ बैड पर्सन। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर आपका जन्म इन राशियों में हुआ है तो फिर आप एक बहुत पर्टिकुलर, एक बहुत पिक्यूलियर काइंड के व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, एक बहुत पिक्यूलियर काइंड के रिलेशनशिप को ढूंढ रहे हैं। जब वो रिलेशनशिप मिल जाता है लाइफ बिकम्स अमेजिंग, और जब वो रिलेशनशिप नहीं मिलता, जबरदस्ती आपको किसी के पल्ले बांध दिया गया या फिर जबरदस्ती आपने यू नो यू आर विद समबडी फॉर द हैक ऑफ बीइंग विद समबडी, सिर्फ रिलेशनशिप में होने के लिए किसी के साथ है, या फिर आपने कोई गलत चॉइस की है रिलेशनशिप में, तो तकलीफ तो होगी ही, दैट इज नेचुरल, और वो किसी भी लग्न के साथ हो सकता है। इससे पहले कि हम सेवेंथ हाउस की बात करें, हम ये जान लेते हैं कि कुंभ लग्न कैसा लग्न होता है। कुंभ शनि का लग्न होता है, इनफैक्ट शनि का दूसरा लग्न होता है। नैसर्गिक रूप से ये जो राशि है ये आपके 11वें भाव को कंट्रोल करती है। 11वां भाव यानी कि आपके गेन्स कौन से होंगे, किस तरीके के लोगों से आपका मिलना जुलना होगा, यानी कि बड़े नेटवर्क सर्कल्स आपके किस तरीके के होंगे। उसके साथ साथ ही जो 10वें भाव में कर्म है, जो 10वें भाव में कर्म आपने किया है उससे आपको क्या लाभ मिलेगा, ये भी 11वां घर दिखा देता है। इसके साथ साथ ही ये घर एक और चीज दिखाता है वेरी इंटरेस्टिंग। वो क्या दिखाता है कि एयर का हाइएस्ट एलिमेंट क्या होता है, यानी कि जो एयर तत्व होता है उसका, वायु तत्व का जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, वो होती है अक्वेरियस राशि यानी कुंभ राशि, जो कि इस समय पर आपका लग्न है। जब भी ये राशि लग्न में आ जाती है, पहले भाव को ऑक्यूपाई करती है, तो वो दिखाती है ऐसी पर्सनालिटी जो कि हाईली इंटेलिजेंट होती है इन जनरल, हाईली क्रिएटिव होती है इन जनरल, और दुनिया को जो हमारी रोजमर्रा का दुनिया देखने का नजरिया होता है ना, उससे नहीं देख पाती। दे हैव टू लुक एट वर्ल्ड फ्रॉम अ डिफरेंट वे, चीजों को थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की इनके अंदर एक खास काबिलियत होती है। इस वजह से ये किसी रिश्ते की फ्यूटिलिटी जान सकते हैं कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, ये अपने किसी एक्ट की फ्यूटिलिटी जान सकते हैं, और जनरली जो दुनिया के रस्मों रिवाज वगैरह वगैरह उनमें ये लोग ठीक से फिट नहीं हो पाते। अगर आप शेर व शायरी में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं तो जॉन एलिया को देखिए, जिस तरीके का
व्यक्तित्व जॉन एलिया का है, कुछ वैसा ही व्यक्तित्व आपको कुंभ लग्न या राशि वाले लोगों में देखने को मिल जाएगा, स्पेशली कुंभ राशि। लेकिन लग्न के साथ भी कमोबेश आपको इसी तरीके की पर्सनालिटीज देखने को मिल जाएंगी, जो थोड़ी सी अलग हैं, दुनिया को थोड़े से अलग नजरिए से देखती हैं, फ्रॉम अ थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू देखती हैं, बर्ड्स आई व्यू से देखती हैं। ओके, सो दे आर नॉट लुकिंग एट द वर्ल्ड फ्रॉम बाय स्टेइंग हियर। मान लीजिए ये लेवल है जहाँ पे दुनिया एग्जिस्ट करती है, तो ये इस लेवल पर दुनिया को नहीं देखते, इस लेवल से दुनिया को देखते हैं, बिकॉज ऑफ विच यू नो इनका पर्सपेक्टिव ही बदल जाता है। ये चाहते हैं कि दुनिया आगे बढ़े, प्रोग्रेस करे, ये स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी यकीन रखते हैं। इनका जो फिलोसफीज होती हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, सो यू विल फाइंड ग्रेट फिलोसफर्स हियर एज वेल। तो क्रिएटिविटी है, फिलोसफी है, दुनिया के साथ बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, किसी आइडिया के साथ अटैचमेंट आपको देखने को मिल सकता है। एक बात और ध्यान रखिए कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जो राशि होती है कुंभ, उसमें कहीं ना कहीं राहु का पुट भी होता है, यानी राहु भी इसे कंट्रोल करता है, जिस वजह से आपको यहाँ पर एक ऐसा व्यक्तित्व देखने को मिलेगा जो कि शनि की तरह, यानी शनि की राशि तो है ही, शनि की तरह जो धीमे भी चलता है, जो अपने पेस पर चलता है, जिसको दूसरों के मूवमेंट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन साथ साथ ही राहु की तरह वो चीज़ों को बदलना भी चाहता है, राइट? सो इट वॉन्ट्स टू मूव एट इट्स ओन पेस एंड इट वॉन्ट्स टू चेंज द वर्ल्ड। बोथ द थिंग्स आर हैपनिंग एट द सेम टाइम। यही वजह होती है कि कुंभ लगने वाले लोग अक्सर अगर किसी आइडिया के साथ जुड़ जाएं तो वो पायनियर्स भी हो सकते हैं, यानी किसी नई चीज़ को शुरुआत करने वाले, किसी नए आइडिया की, किसी नई फिलोसफी की बात करने वाले भी हो सकते हैं, एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू, तो हमें ये देखने को मिलता है। हालांकि क्योंकि इनकी पर्सनैलिटीज ही ऐसी होती है कि ये लोग बहुत ज़्यादा किसी आइडिया से, किसी फिलोसफी से कनेक्टेड होते हैं, अपनी ग्रोथ से ही हो सकता है बहुत कनेक्टेड हों, या जो ये करना चाहते हैं उससे बहुत कनेक्टेड हों, इस वजह से जो दुनियादारी होती है उससे ये थोड़ा डिटैच हो जाते हैं। अब आते हैं इनके सातवें घर पे। सातवां घर कंट्रोल होता है लियो यानी सिंह राशि के द्वारा। आप जानते ही हैं कि जो लियो यानी कि सिंह राशि है वो सूर्य की इकलौती राशि होती है। इस राशि का तत्व होता है फायर का, यानी कि अग्नि का, और नैसर्गिक रूप से ये पांचवें भाव की राशि होती है, जो कि आपकी क्रिएटिविटी, आपके बच्चे, आपका एक्सप्रेशन क्या होगा दुनिया में उसको दिखाती है। ऊपर से अगर हम देखें तो फायर एयर को थोड़ा सा गर्म करेगी, उसे एक्सपैंड करेगी, और उसका जो एक्सपेंशन की क्वालिटीज़ हैं ये एयर में वॉर्म्थ लाती है, उसे और जगह फैलने में मदद करती है, ये याद रखिएगा। और साथ ही साथ जो एयर है अगर वो हल्के से बहे, धीमे से बहे, ओके, तो वो फायर को प्रज्वलित करने में, अग्नि को प्रज्वलित करने में सहायक होती हैं, राइट? नाउ रिमेंबर दीज टू थिंग्स। तो अब कुंभ लगने वालों को ऐसा पार्टनर चाहिए जो कि नंबर वन उनको नए लोगों से मिलने में, नए आइडियाज़ को जानने में, या फिर अपने आइडियाज़ को दूसरे लोगों तक पहुंचाने में मदद कर सके, ओके? इसेंशियल, वेरी वेरी इसेंशियल है कि अगर आपको कुंभ लगने वालों को ऐसा पार्टनर मिलता है जो आपको तो पहली बात समझ ही नहीं रहा है, और अगर भूल से समझ भी गया आप, तो फिर वो आपके लिए कोई मददगार साबित नहीं हो सकता। इट कैन नॉट डू मच फॉर यू, इज जस्ट देयर, या शी इज जस्ट देयर, नॉट हैपनिंग, सॉरी, वेरी प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप, ओके? तो आपको ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपको समझे भी, समझ कर आपके आइडियाज को प्रोपोगेट करने में मदद करे, या फिर आप अपने पार्टनर से इंस्पायर हो सके बिकॉज ऑफ समथिंग, और फिर आप उनके आइडियाज को प्रोपोगेट करने में मदद कर सके। नाउ रिमेंबर, आइडियाज के साथ इनका एक बहुत गहरा जुड़ाव होता है, राइट? तो एक गहरा जुड़ाव आइडियाज के साथ क्योंकि है, यही वजह होती है कि अगर कोई इनको वाकई इम्प्रेस कर सके अपने आइडियाज से, तो ये व्यक्ति उसके आइडियाज़ को नहीं छोड़ेंगे, इनफैक्ट उसके आइडियाज़ को प्रोपोगेट करने में मदद करते हैं। खास तौर पे अगर ये बहुत हाई आइडियल्स हों, क्रिएटिविटी में टॉप क्या हो, आर्ट में कौन सा आइडियल चले, ठीक है, इवन फिल्म इंडस्ट्रीज आर्ट, वहाँ क्या चलना चाहिए, फैशन इज ऑल्सो एन आर्ट फॉर्म, राइट? फैशन इंडस्ट्री में क्या चलना चाहिए, वट शुड बी द न्यूएस्ट थिंग नाउ, राइट? वट शुड बी प्रोपोगेटेड नाउ, दैट इज वट कुंभ लग्न डज। इसके साथ साथ ही फिलोसफी में, रिलीजन में अब क्या चलना चाहिए, अब कौन से नए गुरु जो हैं वो यूट्यूब को कैप्चर करेंगे, सो दैट इज व्हाट कुंभ लग्न डज। हाईली स्पिरिचुअल लग्न, दे अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग, बट ओनली व्हेन दे आर कनेक्टेड टू सम। अगर कुंभ लग्न वालों को यूं ही छोड़ दिया जाए तो फिर उन्हें प्रॉब्लम होती है,
दे वॉन्ट समथिंग टू अटैच देमसेल्व्स विद, उनको ग्राउंडिंग की ज़रूरत ज़रूर होती है। ये ग्राउंडिंग उन्हें ऐसा व्यक्ति प्रोवाइड कर सकता है हु इज़ बोथ चार्मिंग एंड इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो वो चार्मिंग भी होने चाहिए, इंटरेस्टिंग भी होने चाहिए, और साथ ही साथ एक बड़ी पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए। ओके, ऐसी पर्सनैलिटी नहीं होनी चाहिए कि दुनिया के झगड़े झमेलों में फंस के ही वो दबके रह गई। नहीं, हमें ऐसी पर्सनैलिटी चाहिए जो कि उन चैलेंजेस से लड़ती हो और आगे बढ़ती हो, अपने आप को एज समथिंग बिग, एज समथिंग इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट करती हो। ओके, उसमें इतनी शक्ति हो ये सब चीज़ों को प्रोजेक्ट करने के लिए। सो दैट बिकम्स क्रूशियल। अगर आप में ये क्वालिटी नहीं है तो कुंभ लगने वाले इन जनरल आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। उनको अपने पार्टनर के रूप में कोई बच्चा नहीं चाहिए जिसे वो नरिश कर सकें। उन्हें अपने पार्टनर के रूप में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो कि उनके ऊपर प्यार की बरसात करता रहे। दे डोंट वॉन्ट दैट। इन फैक्ट ऐसे लोगों को अपने पार्टनर में सबसे ज़्यादा फ्रेंडशिप की ज़रूरत होती है। दे नीड अ पार्टनर हु इज़ वेरी वेरी फ्रेंडली टुवर्ड्स देम, जो उनको उनके आइडियाज़ को एक दोस्त की तरह से सुने, एक दोस्त की तरह उन्हें सलाहें दे सके और एक दोस्त की तरह ही उसे आगे बढ़ाने में मदद कर सके। फॉर इंस्टेंस, मान लीजिए आप लोगों ने कोई नई रील बनाई है या यूट्यूब पे कोई शॉर्ट बनाया है और आपने अपने दोस्त को बोला कि सी हैव अ लुक आई मेड दिस, एंड द फ्रेंड इज़ लाइक ओके लेट मी शेयर इट एवरीवेयर, मैं सबको शेयर करूँगा, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाऊंगा, मैं फेसबुक पे शेयर करूँगा, मैं इसकी लिंक चारों तरफ पहुँचा दूंगा, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो ये जो रिलेशनशिप है ये ही कुंभ लगने वालों को सूट करता है। इसके बाहर के जो रिलेशनशिप होते हैं वहाँ इन्हें समस्या होती है। जब तक कुंभ लग्न का व्यक्ति अपने पार्टनर से इंस्पायर नहीं होता तब तक उनकी शादी में या उनके संबंध में समस्या आनी लाजमी हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका कुंभ लग्न में जन्म हुआ है तो आप बिल्कुल शापित हैं कि आपको तो भाई अच्छा प्रेम, अच्छा रिश्ता मिल ही नहीं सकता, या अच्छा लड़का, अच्छी लड़की मिल ही नहीं सकती, या आपकी शादी अच्छे से हो ही नहीं सकती। ऐसा नहीं होता है। द थिंग इज दैट इट यू आर लुकिंग फॉर समथिंग वेरी वेरी पिक्यूलियर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत पैसे वाला व्यक्ति ही चाहिए या बहुत ही खूबसूरत पत्नी चाहिए। इंस्पिरेशन किसी से भी आ सकती है। मान लीजिए आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो कि बहुत ज़्यादा इनकम नहीं कमा पाता, ही इज़ नॉट अर्निंग दैट मच, बट वो उनको जो भी इनकम मिलती है उसका 10% या 20% हिस्सा जो है वो जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको फीड करने में लगा रहा है, क्योंकि वो ये मानता है कि इनको भी ज़रूरत है। Somebody has to take care of them. That is a moment of inspiration. You like it and then you start liking this person. Okay? That's what happens. Yeah, for instance, कोई लड़का है, you know, वो लड़की ढूंढ रहा है, he has met tens of girls, कहीं मन ही नहीं लग रहा क्योंकि कुंभ लग्न का है, कहीं बात ही नहीं बन रही है, सब कुछ तो ठीक है but something is missing. वो something is missing क्या है कि भाई उन्होंने देखा कि एक लड़की है अपने गाँव में. Okay, now मान लीजिए शहर का लड़का है, MNC में काम करता है, टिप टॉप, बिल्कुल हाई फाई, बट एक लड़की है जो गांव में चुनाव लड़ती है, सरपंच बनती है और अपने गांव को कुछ करने की कोशिश करती है। शी ट्राइज कि वहाँ पे अच्छी सुविधाएं आए, स्कूल्स में अच्छी सुविधाएं मिले, बच्चे ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकें, या फिर मान लीजिए सरपंच नहीं भी बनती, वो ये कोशिश करती है कि किसी भी तरीके से उसके गाँव के जो महिलाएँ हैं उनको यू नो पैसे बचाने में मदद मिले, या कोई ग्राम उद्योग लगाया, इस तरह की चीज़। बस इंस्पिरेशन आ गई, और हाँ इंस्पिरेशन आ गई वहाँ पे, दे गो फॉर अ गुड रिलेशनशिप। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज, क्योंकि देखिए एयर का एलिमेंट है ना, तो ये एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन एडजस्ट होने एक बहुत खास तरह के व्यक्ति के साथ होना है, बाकियों के साथ ये एडजस्ट नहीं होते। बाकियों के साथ दे गेट मैरिड बट दे आर नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड प्रॉपरली। ओके, इनका रिस्पॉन्स नहीं आता ठीक से। रिस्पॉन्स तभी आएगा व्हेन दे आर इंस्पायर्ड बाय देयर पार्टनर्स। आई नो ये सुनने में बहुत अजीब लगता है कि भाई इंस्पिरेशन के बेसिस पे आप कैसे किसी से शादी कर सकते हो या प्यार कर सकते हो, बट दैट्स ट्रू। ओके, दैट हैज़ टू बी देयर। अब इंस्पिरेशन और एडमायरेशन, ये दो अलग अलग वर्ड होते हैं। एडमायर आप किसी को भी कर सकते हो, फिल्म स्टार को भी कर सकते हो, उसका मतलब ये तो नहीं ना उससे शादी कर लोगे। दैट इज़ एडमायरेशन, यू लाइक देयर वर्क। इंस्पिरेशन इज़ वेन यू लुक एट समबडी एंड समथिंग जस्ट स्पार्क्स इन यू। और ये चीज़ कुंभ लगने वाले जानते हैं, समझते हैं, उनको मालूम है मैं किस स्पार्क की बात कर रही हूँ। वो बस आता है, बहुत कम आता है, बट इट जस्ट कम्स लाइक दिस, यू लाइक दिस, इट जस्ट हैपन्स। सो यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर समथिंग सिमिलर। आपको जब वो चीज़ मिलेगी तब आप बहुत ही अच्छा रिश्ता निभाएंगे, बहुत अच्छे से रिश्ता निभाएंगे,
अदर केसेस में आपको समस्या हो सकती है. सो यू आर लुकिंग फॉर समथिंग वेरी वेरी पर्टिकुलर, वेरी वेरी पिक्यूलियर. अब जानते हैं वो दो रिलेशनशिप जहां आपको सबसे ज़्यादा समस्या हो सकती है. वह तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि उस खास व्यक्ति के अलावा आपको जनरली लोगों के साथ समस्या होगी ही, सो कॉम्प्रोमाइजेस बनते हैं. लेकिन दो रिलेशनशिप जहां सबसे ज़्यादा समस्या हो सकती है, लाइक यू कैन बी कम्प्लीटली बैफल्ड, वो क्या हो सकते हैं? नंबर वन, समबडी जो आपके मम्मी या पापा बनने की कोशिश करें. यू आर इंटेलिजेंट, यू बिलीव एवरीबडी इज़ एन इंडिविजुअल, यू बिलीव दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग. ओके, तो आप स्मार्ट हैं, आपके पास अकल है, आप उसे इस्तेमाल करते हैं. आपको लगता है कि हर व्यक्ति एक अडल्ट है, व्यस्क है, वो अपने फैसले ले सकता है. इफ़ समबडी वॉन्ट्स टू टेक योर डिसीजन्स, किसी को आपकी मम्मी बनना है, किसी को आपका पापा बनना है, आपको बताना है कि क्या किया जाए बेटा, क्या किया जाए, या वो आपको ऐसे ट्रीट करे जैसे आपको जानते ही नहीं हो, जैसे आपको जानकारी ही नहीं है. कोई आपसे ये कहे कि अरे तुम्हें नहीं पता, ओह माय गॉड, तो ये जो लग्न है इसको बड़ी तकलीफ होती है इस बात से कि तुम्हें नहीं पता ना, मुझे मालूम है. सो नो, नॉट एट ऑल, नॉट हैपनिंग. ठीक, तो पेरेंटिंग स्टाइल वाले पार्टनर्स आपको नहीं चाहिए, आप भी इन्हें हैंडल नहीं कर सकते हो, राइट? यू डोंट वॉन्ट अ पेरेंट इन योर पार्टनर. दूसरा जो सबसे खतरनाक रिलेशनशिप आप लोगों के लिए हो सकता है, वो ऐसा लोग हो सकते हैं हु आर कंप्लीटली क्रिटिकल. ओके, सो मान लीजिए देर इज अ पर्सन हु इज क्रिटिकल अबाउट एवरीथिंग दैट यू डू, हु इज क्रिटिकल अबाउट वॉट यू आर डूइंग. आप कौन से कपड़े पहन रहे हो, कितनी बार शॉपिंग पे जा रहे हो, अपने दोस्तों से कितनी बार मिलते हो, आपकी कौन सी हॉबीज हैं भी या नहीं है, आप किताब इतनी सारी किताबें क्यों पढ़ते हो, आप इतना इस पर्टिकुलर पर्सन का चैनल क्यों देखते हो, या इस तरह की चीज़ें, वहाँ से भी बड़ी तकलीफ होती है. सो एक तो वो व्यक्ति जो इनका पेरेंट बनना चाहता है, ठीक है, गला घोंट देने वाला, सफोकेटिंग प्यार देना चाहता है, और दूसरा वो व्यक्ति जो कॉन्टिन्यूसली क्रिटिकल है. दोनों ही केसेस में इनको समस्या होती है. एंड नाउ दिस अगेन इज़ इंटरेस्टिंग, क्योंकि पिछले ऑलमोस्ट 2 साल में आई हैव मेट मोर पीपल ऑफ कुंभ लग्न, और मैंने देखा है कि इनके बॉसेस, कलीग्स, या कभी कभार इनके पेरेंट्स में ये दोनों क्वालिटीज़ होती हैं, दैट दे आर आइदर एक्सट्रीमली लविंग कि नहीं बेटा बाहर मत जाओ, तुम्हें चोट लग जाएगी खेलोगे तो, और दे आर एक्सट्रीमली क्रिटिकल कि बाहर क्यों नहीं जा रहे हो, खेल क्यों नहीं रहे हो, राइट? ऐसे ही बैठे बैठे तुम लोगों को वीडियो गेम खेलने हैं, नथिंग इज गोइंग टू वर्क आउट, इस तरीके से. सो हाईली क्रिटिकल एंड हाईली अनयूजली सफोकेटिंग काइंड ऑफ लव, बोथ सिचुएशंस आर बैड, सुपर बैड फॉर यू. तो आपको वहाँ नहीं फंसना. हाँ, अगर एक ऐसा पार्टनर मिल सके जो इंस्पायरिंग हो, इंटरेस्टिंग हो, जिसको देख के आपको लगे कि हाँ ये कुछ है, एंड यू नो दिस गाय ब्रिंग्स सम स्पार्क इन टू माई लाइफ, तो ये मान लीजिए कि आपका जीवन अंधेरा है, उस अंधेरे में जो बल्ब जला सके वो आपका पार्टनर है. ओके, आई थिंक मैंने आपके बारे में बहुत संक्षेप में रिलेटिवली दूसरे लग्नों के मुकाबले एक ऐसी चीज़ बताई है विच इज़ डेफिनेटली गोइंग टू वर्क इन योर फेवर. तो अगर आपका कुंभ लग्न है तो आप जानते हैं कि प्रेम से आप क्या चाहते हैं. ऐसे रिलेशनशिप जो फुलफिलिंग नहीं हो, या जो इस तरीके की चीज़ों को प्रोवाइड ना कर सकते हो, वहाँ ना ही फंसे तो बेहतर है. अगर वहाँ आप लोग आ ही गए हैं तो अपने पार्टनर का लग्न देखकर फिर ट्राई टू वर्क ऑन दैट. हाँ, अगर आपके पार्टनर एक्वेरियस लग्न के हैं और आप इस ट्रेट में फिट नहीं होते हो एंड यू फील समथिंग इज रॉन्ग, तो कुछ ना कुछ करके गोइंग क्लोज टू दैट आइडियल विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल. ओके, गोइंग क्लोज टू दैट आइडियल, डूइंग गुड एट योर वर्क, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सेल्फ, इस तरह के काम करोगे तो आपके पार्टनर आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, आपको ज़्यादा एडमायर करेंगे, ज़्यादा आपको इंस्पायर होंगे आपसे, एंड दैट इज़ हाउ दे विल बी मोर अटैच टू यू, बॉन्डिंग आपकी और गहरी हो जाएगी. तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर चैनल अच्छा लगता है, इंग्लिश और हिंदी में इतने सारे वीडियोज़ आते हैं वो अच्छा लगता है, तो फिर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए. Thank you so much for watching.